इतनी भक्ति अगर भगवान की कर ली होती कभी हैं, तो आज नैया पार लग जाती, लाइफ में हो जाता कुछ थारा। भगवान इस धरती पर मेरे लिए आप ही हैं मैडम। मैडम दिन की शुरुआत आपसे होती है। अबे चल चल चल। एक काम कहा था याद है, आज जाना है रात को वहाँ नाच गाने का कार्यक्रम जहाँ आशा डांस करे। हाँ याद है ना मैडम, अरे उसके लिए ही तो सारे कपड़े कॉस्ट्यूम सब गेटअप का सामान वो सब गोपी लेने गए, बस वो आता ही होगा। गोपी अरे गोपी क्या हो गया तुझे? मैं बताता हूँ आया। ओ सर क्या हो गया? जैसे ही मैं जीप से उतरा तो ये हवलदार स्कूटर समेत तेरे पैरों से गुजर गया। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं जी सदर बाजार से आ रहा था जी, अचानक टीटू पल्ले वाले का फोन आ गया जी, बस हड़बड़ाहट में जी मेरा स्कूटर इनकी तरफ मुड़ गया जी। शट अप, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। मैं इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। यस सर, करेक्ट, एकदम सही बात जो है आपने कही है, इसको नौकरी से निकालना चाहिए। और सुन ले ओ गोपी, आज जो है ना थारे लिए दो बुरी खबरें हैं। गोपी सॉरी यार, बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन चौकी में अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था, तेरी बीवी है ना वो तेरे धोबी के साथ भाग गई। क्या? मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसी दो दो बुरी खबर या वो बर्दाश्त ना कर पाएगा सर, कमजोर दिल का आदमी सही हो। एक तो जो है नौकरी चली गई, फिर बीवी चली गई, तो अरेस्ट करने से कुछ होगा ना इसका। मैं क्या कह रही हूँ एम्बुलेंस बुला ले, इसे एडमिट कर दे, कहीं कुछ ऊपर नीच हो जाए। एक मिनट गोपी, गोपी मैं तुम्हारी बीवी की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें तुम्हें नौकरी पे वापस रखता हूँ। हाँ कहता हूँ जी सर। सॉरी मम्मी जी, मुझे क्या पता था जो धोबी मेरे घर से कपड़े लेके आता है एक दिन मेरी बीवी लेके चला जाएगा। चुप कर, बीवी लेके चला जाएगा? अब कोई बीवी भी ना भगी है थारी, वो तो हमने झूठ कहा था नौकरी बचाने के लिए थारी। कड़क सिंह जी आप यहाँ आ गए, हमारा डर सही निकला, मतलब आपको आने की क्या जरूरत थी, हम आ जाते आपके पास, आप क्यों आ गए यहाँ पर? बकवास बनकर मेरे पैसे मुझे वापस कर दो जो मुझसे तुमने लिए थे बेवकूफ बना के। मुझे मेरे पैसे चाहिए पैसे। सर ये कौन है आपसे पैसे मांग रहा है, इसको फोड़ू क्या मैं? नो, फोड़ी ना, बेचारा बहुत ही स्वीट सिंपल शांत किस्म का इंसान है ये। यो एंग्री फैट मैन, नन यो स्वीट लग रहा आपको? इसके इसके बातचीत पे मत जाइए, ये बेचारा सदमे की वजह से ऐसा हो गया है। क्या ना इसकी बहन की शादी है कि नहीं कड़क सिंह जी? तो वो शादी के लिए वो हमसे पैसे मांगने के लिए है। ए लपेट, हम आपके लिए पैसे अरेंज किए हैं, कहाँ गए? हाँ आज ही हम वसूल कर आए आपके लिए पैसे, बैंक से निकाल कर आए पैसे आज हमने इनके लिए। ये लीजिए पैसे। चलता हूँ। अच्छा चलिए चलिए। मैडम मैंने फिटनेस क्लास ज्वाइन किया है। आपका कैसा अनुभव यहाँ पर, आप बताइए। अरे सर वो ऐसा है ना, एक केस है तो उसके सिलसिले में आज रात मैंने जरा हाईवे पे लिटिल आउट ऑफ टाउन सा जाना है, तो मैं क्या कह रही हूँ अगर आप फ्री हो तो आप भी चलिए, मतलब केस का केस और एक ड्राइव की ड्राइव हो जाएगी, इट्स अ गुड ड्राइव। आपके साथ ड्राइव पर जाना है तो हम तो जरूर आएंगे आपके साथ ड्राइव पर। आ, आ,
हम ड्राइव पे नहीं आ सकते, आप ड्राइव पर जाइए, अब हमें केस सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है विच इज ड्राइविंग मी मैड। ओके मिस्टर टेल, अब बाय बाय। अरे मैं छोटा ला, पता है हम आपके बारे में सोच रहे थे और आप हमारे सामने आके क्या बात है? सर मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? Yes! आप कल रात कहाँ थे? कल रात हम कहाँ थे कल रात? कल रात हम, याददाश्त हमारी थोड़ी कमजोर हो गई, कल रात हम पूजा करने गए थे कल रात। ओ सर, वैसे मैंने सुना है कि पूजा अधिकतर मंदिर में होवे। आपने बिल्कुल ठीक सुना, पूजा तो मंदिर में होवे। तो आप डिस्को में किसकी पूजा करे ले रहे थे सर? इसको? यस सर। सर कल रात मैंने आपको डिस्को में खूब कमर मटकाते नाचते हुए देखा अपनी इन आंखों से बड़ी बड़ी हैं, और ये आप हमारे से झूठ भी कह रहे हैं सर कि आप पूजा कर रहे थे। मिस चौटाला, आप एक शरीफ ईमानदार अफसर पर तोहमत लगा रही है। हम डिस्को गए थे। हाय हाय, आपने ठीक कहा, हम डिस्को गए थे, लेकिन हम नाचने नहीं गए थे, हम पूजा करने गए थे, हैं? क्योंकि ड्यूटी हमारे लिए पूजा है। When duty calls, पूजा starts। आप जानना चाहती हैं वहां क्यों गए थे? जानना चाहती है? हाँ। सुनिए, एक गरीब माँ का बिगड़ा हुआ बेटा जो अपनी माँ के पैसे डिस्को में उड़ा उड़ा के उस बेचारी माँ के पैसे लुटा रहा था, हम उसे समझाने गए थे कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। हम उसे समझाने गए थे, हम नाच रहे थे, लेकिन नाच नाच के हम उसे समझा रहे थे कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, इट इज रॉन्ग। राम बाप पर शक कर रही है। सॉरी सर। सर देखिए, अब आप ऐसे नाच रहे थे, आपको देख के मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर। अब इतना बिग्रसली डांसिंग में कुछ जजमेंट ना आई कि सर ये केस सॉल्व करने के लिए हो रहा है। सुनिए मैं चौटाला, हम कुछ ज्यादा नाच रहे थे क्या? हाँ सर, कुछ ज्यादा ही। लेकिन अगली बार आप हम पर शक मत करिएगा प्लीज, हमें हर्ट होता है। अरे बाप, बच गए यार। कैपू तो इन चक्कर में मत पड़, चुपचाप साइन कर दे, बोनी नहीं हुई, ये सब फ्रॉड लोग हैं। ये बात कर। मैडम क्या हुआ? मैं फट पड़ूंगा। अरे यार कुछ नहीं होने वाला, यार कुछ नहीं होगा, तू साइन कर, तलाक ले, खत्म कर, बस साइन कर, बोनी नहीं हुई यार। गुलगुले जी मैडम। यार वो जो हमारी नई गन है ना, है? हाँ? जिसकी अभी तक बोन ही नहीं हुई है, जरा वो गन लेके आ। आज मैं इसकी और उस गन की दोनों की एक साथ बोनी कर दूं। नहीं नहीं मैडम, बोनी हो गई, बोनी। वेल डूड, डोंट द वरी, द मम्मी ने तुम्हारी बीवी को अपने जाल में फंसा लिया है। हाँ, और एक बार हमारी मैडम किसी को फंसाने पे निकलती है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जाल फेंकू जूलिया, मेरा मतलब है फंदे में फंसाऊं फ्लोरिया, मेरा मतलब है एकदम शातिर हैं। तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि मेरी बीवी फंसी कि नहीं फंसी, क्या हुआ क्या हो रहा है मैडम, मैं फट पड़ूंगा। फटेगा तू नहीं, फटेगा पोस्टर और निकलेगी हीरोइन यानी थारी बीवी। कल मेक्सिको के एक जो है डिस्को की मालिक बन के मैं उससे मिल ली थी, मैंने उसे अपना कार्ड दिया और आज रात वो हमारे से मिलने भी आ रही है। क्या? नहीं, अब मैं और नहीं सुन सकता, मैं फट पड़ूंगा। अरे यार तू फालतू का मत फट, मैं कह रहा हूँ ना तुझे, जिंदगी समर जाएगी, साइन कर दे, तलाक ले ले, खत्म कर, बोनी नहीं हुई। ला यार कानून तू ला, आज मैं साइन कर दूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं फट पड़ूंगा, मैं कर रहा हूँ साइन, मैं। ज्यादा जज्बाती हो गए, ऐसा कोई काम ना कर कि बाद में पछताना पड़े।
बाद में क्या मैडम, मैं तो अभी से पछता रहा हूँ। ऐसी बीवी से शादी करके जिसे समझा था मैंने आलू की पकौड़ी, वो फ्रेंच फ्राइज निकली। जिसे समझा था मैंने मूंग दाल की खिचड़ी, वो फ्राइड राइस निकली। वेल ब्रो, दिस इज द वेरी गुड द जस्ट लाइक रॉबिन हुड द। रॉबिन हुड कहां से आ गया बीच में? मॉम आई डोंट नो, कैरी ऑन। मैडम यहाँ मेरी जिंदगी के सूख गए हैं बेर और इन्हें सूझ रहे हैं घटिया घटिया शेर, मैं फट पड़ूंगा। अबे क्यों मर रहा है इतना यार, कल तक की बेट करो, कल सवेरे थारी बीवी और थारे ससुर दोनों के पत्ते खुल जाएंगे। हैं? इसका मतलब मैडम कल ये साइन कर सकता है, मेरी बोनी हो जाएगी? कल तो जो होगा सो होगा, फिलहाल इंतजार है आज रात का। खन्ना के बच्चे, आज तुझसे मैं एक मैथमेटिक्स का सवाल पूछता हूं, देखते हैं तेरी मैथ्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। देख, मैं तेरे पिताजी को 5,000 रुपए देता हूं और मैं साल का 10% यानी कि 10% का ब्याज लेता हूं, तो एक साल बाद मैं तेरे पिताजी से कितने पैसे लूंगा? फूटी कौड़ी भी नहीं। अबे तेरे पिताजी फूटी कौड़ी क्यों नहीं देंगे यार? क्या तुझे इतनी सी भी मैथ्स नहीं आती, इतनी सी भी मैथ्स नहीं जानता है तू? अंकल मैं तो मैथ्स जानता हूँ, आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। आपने मुझे इतनी सुनसान जगह पे क्यों बुलाया हुस्न के हथौड़े से? Sorry? Exactly. हमारे सर ने तुमको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि हमारे सर को तुमसे एक जरूरी बात करना है। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात हुस्न के हथौड़े से? Sorry? Exactly. Well, mummy ji. Hi. I mean, हमारा सर तुम्हारा बिग फैन होना मांगता, वो तुमको मस्किटो ले जाना मांगता। मस्किटो? मैक्सिको में हमारा सर का बहुत बड़ा डिस्को होता है। वो डिस्को में तुम डांस करता, बहुत सारा पैसा कमाता, बहुत सारा मनी। नो 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 नो, मैं इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी हुस्न के हथौड़े से। सॉरी? एग्जैक्टली। ना कपड़े धोएगी ना बर्तन मांजेगी तो क्या हमारे सर पे नाचेगी? हमारे सर को इस बात का गम है, व्हाई नॉट यू कम है। मेरे पति की वजह से, हुस्न के हथौड़े से। मेरा एक पति है जो कुछ काम धंधा नहीं करता है, वो एक नंबर का आलसी कामचोर, बिल्कुल आवारा है और थोड़ा सा संकी भी है। अगर मैं उसके लाइफ से चली जाऊंगी तो उसका क्या होगा हुस्न के हथौड़े से? पूछ ले आंसू, क्योंकि हमारी मैडम है एकदम धांसू। आप लोग कौन? इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। वेल बेबी, ही इज द गुलगुले इज द, आई एम द गोपी इज द। वेल बेबी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द। टेंशन मत ले, घबरा मत, बोल के तकलीफ है। मैं जिसको मैं डांस करती हूँ, गाना गाती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति की वजह से मुझे सब करना पड़ता है। मैडम मेरे पति की वजह से मेरी लाइफ का कंपार्टमेंट हिल गया है हुस्न के हथौड़े से। मैडम अपने पति के बारे में ये सब क्या बता रही है हमें? मैडम मुझे तो लगता है इसका पति एक नंबर का शातिर आदमी है और वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। तू एक काम कर, आज रात हमारे क्वार्टर में रह, तू घर मत जा,
कल सवेरे इसके पति को चौकी में बुलाओ। जरा सातिर की हम भी तो करें खातिर। ओ यार। सॉरी। एग्जैक्टली।